जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल कलम आज उनकी जय बोल पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर की यह कविता का प्रमुख अंश आज हमें उस महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की याद दिलाता है जिनकी कलम ने हमेशा राष्ट्रहित का ख्याल रखा और हिंदी भाषा और बिहार के महत्व को दुनिया को बताया। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक महान कवि लेखक और निबंधकार थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक विद्यालय में अध्यापक बन गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार के सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हुए। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और उस वक्त उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। ज्वार उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वदगद गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहां वहां प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर के खिलाफ फाइल तैयार होने लगी। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परियक्तता एक अप्सरा की कहानी है, वहीं कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। दिनकर द्वारा रची गई काव्य और गद्य में एक अलौकिक रूप देखने को मिलता है। उनकी छायावादिता और राष्ट्रहित की कृतियां बहुत लोकप्रिय हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि दिनकर को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर सिंह ने कहा कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव ने कहा कि दिनकर जी की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। प्रसिद्ध रचनाकार काशीनाथ सिंह ने कहा कि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विरोधी कवि थे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है।
बिहार के इस लाल ने 24 अप्रैल 1974 को अंतिम सांसें ली। बिहार के इस रत्न ने स्वतंत्रता आंदोलनों को एक अलग रूप दिया। इन्होंने बिहार और बिहारी पहचान को शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया। दिनकर हमेशा हमारे दिलों में अपनी कृतियों के माध्यम से जिंदा रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।